सब्सक्राइब कीजिए स्टार्स ब्रेकिंग न्यूज चैनल को, दबाएं इस बेल आइकन को लेटेस्ट बॉलीवुड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इट्स अ नाइस फिल्म बट इट्स मेन फॉर द पर्टिकुलर ऑडियंस, नॉट एवरी पीपल विल बी लाइकिंग इट, बट द पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड इन सीइंग गुड, राजकुमार हैज डन अ गुड एक्टिंग जॉब एंड ही इज नाइस ऑल द मूवीज, बट इट द मूवी ऑल्सो शोज द फैक्ट्स विच आर वेरी गुड, बट एट द एंड इट्स नॉट फॉर ऑल द पीपल, इट्स फॉर द पर्टिकुलर चॉइस ऑफ योर। Yeah, direction was nice. Rajkumar justified the role. Yeah, he did a good job. I told you previously. Okay, do you agree that small insert of real footage is justified? Yeah, that was really nice because people won't be having that much knowledge and about the facts that will be given, that were been given. So movie justifies that. Okay, out of 5 star, how much? Three. Excuse me, sir. I saw amazing film. I like Rajkumar Rao acting and Hansal Mehta is a very good like director. The way he described the story, I like it. क्या लगता है justify हुआ, justify होता है राजकुमार के character और कितने अच्छा perform किया? Absolutely, बहुत अच्छा perform किया है राजकुमार राव ने, जो ओमार सईद शेख का character बहुत अच्छे से play किया है and बहुत अच्छी movie लगी overall. It's a direction के बारे में क्या कहेंगे आप? वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं इसलिए मैं देखने आया मूवी। हंसल मेहता की मूवी, उनकी पहले भी मूवी, वो पहले की मूवी बहुत अच्छी रही, ये भी बहुत अच्छी थी और उन्होंने जिस तरह से पोर्ट्रेट किया है सारा स्टोरी, इट्स वेरी गुड। आपको लगता है कि हंसल मेहता और राजकुमार राव की केमिस्ट्री बहुत वर्क करती है? हाँ, ये कम्प्लीटली दिखता है इस मूवी में, दिखा है पिछली मूवीज़ में भी दिख रहा है, इनका आपस में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा काम करते हैं मिलकर, आगे भी अच्छा काम करेंगे कुछ देखने को मिलेगा तो। आई वुड गिव इट 4। थैंक यू सो मच। How much you liked it? It was a very good movie, 4 out of 5 for sure. बाकी हिंदी बोल सकता हूँ? हाँ, 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 तो यार मूवी बहुत अच्छी थी और स्टोरी एंड एवरीथिंग, जब आप ऐसी मूवीज़ की बात करते हो ना तो आप, मुझे लगता है कि आपको डायरेक्शन एक्टिंग वो सबको इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए क्योंकि ऑल टुगेदर मूवी बनाई जाती है अवेयरनेस के लिए और मुझे ही कई सारे नाम नहीं पता है, किसी भी नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता होता है कि यार ये कौन था, वो कौन था, हु ऑल नो, कौन इन्वॉल्व था, किसी को नहीं पता होता। वी जस्ट नो दैट प्राइम नेम, जैसे उसामा बिन लादेन हो गया या वो सारे नाम हो गए। तो ये स्टोरी उमर शेख के बारे में थी जो राजकुमार राव ने प्ले किया और उसकी जो भी जर्नी थी और हाउ ही डिड थिंग्स यू नो, और उसके बारे में बताना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जब अवेयरनेस की, तो हम बात नहीं करना चाहिए दूसरी चीज़ों की, बाकी उसके अलावा फिर भी एक्टिंग वॉज वेरी गुड, वेरी फाइन, मतलब यू आर वेरी कन्विंस्ड सीइंग द स्टोरी एंड एवरीथिंग। या आई बिलीव दे यूज दोज ओरिजिनल फुटेजेस इन द मूवी, सो वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है, पता है, व्हेन यू गेट टू रियलाइज बीच बीच में कि यार ये तो रियल है यार, सो नो दैट इटसेल्फ स्टर करता है, हाँ, देन वी गेट टू कनेक्ट, इट्स अ वेरी गुड मूवी। ओके, हंसल मेहता एंड यू नो राजकुमार राव ऑलवेज कम गिव्स अ गुड सिनेमा एंड देयर केमिस्ट्री टू वर्क्स, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिल्कुल सही बात है, मतलब आप देख सकते हो मेरा टेक क्या होगा, यू आस्क पीपल, एवरीवन से हाँ भाई अच्छी थी, यू नो पीपल, हम लोग देखते जरूर एंटरटेनमेंट वाली मूवीज़ बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट, बट मुझे लगता है कि इसको भी फॉलो करना चाहिए एंड इन द थिएटर हॉल, नॉट नो पायरेटेड वर्जन, मुझे बड़ा बड़ा बुरा लगता है क्योंकि ऐसी पिक्चर बनती है उसमें खर्चा बहुत होता है बट लोग थिएटर में जाके देखते नहीं है, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। चार तो फॉर श्योर, 4 फॉर श्योर। हो गया ना? जस्ट टेक हाँ। आई डिड नॉट लाइक एट ऑल। व्हाई? आई डिड, इट इज़ अबाउट द टेररिज्म, दे आर शोइंग थिंग्स व्हिच हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, नॉट एनीथिंग न्यू, दे आर शोइंग द पेपर्स एंड एवरीथिंग व्हाट हैज़ हैपेंड, व्हाई शुड दे स्प्रेड सो मच ऑफ नेगेटिविटी, और अभी के टाइम पे यू नो इतना टेंशन रहता है हमारा कश्मीर को लेके, इंडिया को लेके एंड पाकिस्तान, तो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड आई डिड नॉट लाइक इट। The film is totally awesome. No doubt, it's like a biopic on some terrorist. क्या आपको लगता है justify होता है इस तरह की फिल्म का? ये एक commercial film नहीं कहेंगे इसको, अगर आप देखें तो commercial film नहीं है ये, totally challenging role है, तो ये एक आतंकवादी के ऊपर एक बायोपिक टाइप की मूवी है, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि किसी आतंकवादी के ऊपर इतनी अच्छी मूवी बनाई गई है और इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है। राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना है? राजकुमार अगर नहीं होता तो इस फिल्म में जान नहीं होती, उसने जान डाल दिया है मूवी में। थैंक यू।
आपको लगता है कि हंसल मेहता राजकुमार जब भी फिल्में करते हैं चाहे वो शाहिद करें चाहे कोई और फिल्म करें कमाल करते हैं, मतलब उनकी केमिस्ट्री काम करती है? कमाल नहीं, ये धमाल करते हैं। क्या खास लगा आपको उमरता में? उमरता में मेरे को खास ये लगा कि मतलब एक आतंकवादी कैसे किस तरह से आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और उसके बारे में हंसल मेहता ने किस अच्छे तरीके से दर्शित किया है, ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। 5 बजे कितने स्टार्ट देना? 4 स्टार। ओके, यू वेलकम।